बिहार के लोगों से नौकरी का वादा वाले संकल्प को पूरा कर रहे राजद सुरेंद्र नारायण यादव। जिला राष्ट्रीय जनता दल का कार्यकर्ता संवाद सम्मेलन आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य पार्टी के नेताओं को कार्यकर्ताओं को आगामी लोकसभा चुनाव के लिए धारदार बनाना है। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष प्रोफेसर मोहम्मद ताहिर ने किया। वहीं मुख्य अतिथि सहकारिता मंत्री डॉक्टर सुरेंद्र यादव ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पार्टी को जन जन तक पहुंचाने के लिए और लालू प्रसाद यादव के विचार एवं नेता उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बिहार के लोगों से वादा किया था वह उस संकल्प को पूरी कर रहे हैं, परंतु लोगों को जात धर्म के नाम पे बांटने वाली पार्टी सिर्फ झूठे वायदे और हवाबाजी कर रही है। केंद्र की सरकार न ही रोजगार का वादा पूरा किया और न ही महंगाई कम हुई। इस लोकसभा चुनाव में भाजपा को हराकर केंद्र सरकार को उखाड़ फेंकना है। युवा जिलाध्यक्ष भारत यादव ने कहा, आज के जनसंवाद कार्यक्रम के बाद राजद के सभी प्रकोष्ठ के कार्यकर्ता गांव गांव घर घर जाकर लोगों को केंद्र सरकार की गलतियों को उजागर किया जाएगा। इस बार मधेपुरा लोकसभा सीट पर राजद को जिताने का काम करेंगे। इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता गण विधान पार्षद डॉक्टर अजय कुमार सिंह, विधायक अनिरुद्ध कुमार यादव, मोहम्मद एजाज अहमद, प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर उर्मिला ठाकुर, सत्येंद्र गोंद, अध्यक्ष अनुसूचित जाति जनजाति, विधायक विजय कुमार मंडल, सभी ने कार्यकर्ताओं से संवाद किया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से वरिष्ठ नेता सुरेश प्रसाद यादव, प्रदेश महासचिव डॉक्टर उपेंद्र यादव, पूर्व विधायक अरुण कुमार यादव, पूर्व प्रत्याशी डॉक्टर गौतम कृष्ण, जिप उपाध्यक्ष सह प्रदेश महासचिव धीरेन्द्र यादव, प्रधान महासचिव गोविंद दास तांती, प्रदेश महासचिव धनिकलाल मुखिया, अल्पसंख्यक जिलाध्यक्ष तंजीम अहमद, बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के भवेश सिंह, डीएसएस अध्यक्ष मिथिलेश यादव उर्फ मनोज यादव, टुनटुन शर्मा, मीर रिजवान, मोहम्मद अख्तर, महिला जिलाध्यक्ष गुंजन देवी, अजय निषाद, तेज नारायण यादव, सरोज यादव, नगर अध्यक्ष कौशल यादव, नाथेश्वर यादव, भीम कुमार भारती, नीतू शर्मा, भारत यादव, जिला प्रवक्ता जावेद अनवर अमरेंद्र यादव, मोहम्मद यूसुफ, मोहम्मद आजम, साक्षी कुमारी, भास्कर ठाकुर, मोहम्मद जमशेद, सुरेंद्र यादव, माशूक अली, मोहम्मद साहिल, फरहान, मोहम्मद इम्तियाज, पवन यादव, पवन शर्मा, मो मुस्तकीम, मोहम्मद अब्दुल, सत्यनारायण यादव, मोहम्मद इरशाद, गुड्डू यादव, मोहम्मद तमन्ना, बैद्यनाथ यादव सहित सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यकर्ता संवाद सम्मेलन में आप शिरकत किए हैं, क्या उद्देश्य है? कार्यकर्ता संवाद सम्मेलन में अपने जो कार्यकर्ता हैं उनको जागरूक किए हैं और हक और अधिकार के लड़ाई लड़ने की बात बताए हैं। जो भारत सरकार का नीति है ठगने वाला, उसके बारे में जानकारी दिए। एक एक बिंदु पर बिहार सरकार का जो उपलब्धि है उसका एक एक बिंदु पर हम लोगों ने जानकारी दिया और जाग रहा है जनता संवाद के माध्यम से। अब ये पक्का मान लीजिए कि अब इसको कोई ठगने वाला नहीं है, 2024 में इसका जवाब भाजपा को मिल जाएगा। आगामी चुनाव में किस तरह से लग रही है पार्टी, कितनी मजबूत है? देखिए, गठबंधन तो अटूट है, इसमें कहीं दिक्कत नहीं है और इंडिया पार्टी है। अभी बैठक होने दीजिए, फिर इस पर हम बात आपको बताएंगे। चूंकि 3 बैठक हो गया, 1 बैठक और होगा या 2 बैठक, उसके बाद आपको बताएंगे, पर यहाँ गठबंधन मजबूत है। जिला स्तरीय संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, इसका क्या उद्देश्य है और कार्यक्रम का क्या दिशा निर्देश है? ये जिला का जो सम्मेलन हुआ है जन संवाद सम्मेलन, इसमें है कि गांव-गांव लोग जाए और आने वाले आगामी 2024 में जो आने वाले लोकसभा चुनाव है उसमें गांव-गांव जा करके हम लोग को प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जो गलत देश विरोधी नीति है उसको हम लोग बताएं और 2024 में राजद की सरकार बने, पूरे बिहार में राजद की सीट आए, इसके लिए हम लोग समाज के हर व्यक्ति के पास जाएं और सभी विंग के लोग, युवा राजद, मेन विंग, महिला सेल और गांव-गांव में लोग को बताएं और आने वाले 2024 में हम लोग इस मधेपुरा के सीट से राष्ट्रीय जनता दल को जिताने का काम करें और पूरे बिहार में भी राजद जीते। इसी का अभियान पूरे जिला में हम लोग का चल रहा है राष्ट्रीय जनता दल का, जिसके प्रभारी आदरणीय सहकारिता मंत्री सुरेंद्र बाबू भी थे, डॉक्टर अजय कुमार सिंह जी भी थे और हमारे जनमान लोग भी थे जो इस कार्यक्रम में शरीक किए हैं। और हम लोग जो है सो राजद के बूथ स्तर तक जाएंगे और 2024 में केंद्र सरकार को भगा करके और राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन के दल की सरकार को बनाने का काम करेंगे। यही हम लोग का अभियान है। क्या नाम हुआ? भारत यादव, युवा जिलाध्यक्ष सहरसा।
जिला स्तरीय संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, इसका क्या उद्देश्य? इसका उद्देश्य यही है कि हम लोग जो जिला का जो शरद यादव की पुण्यतिथि पर जो काम बैठक हुए हैं, जो गली गली कोने कोने गांव गांव में जाके हम लोग अपने लोगों को राजद की लोगों को जोड़ने का काम करेंगे 2024 और 25 की जो लड़ाई है, सभी माता एवं बहनों से नौ निवेदन करना चाहता हूं कि 2024 और 25 में राजद को भारी मतों से जिता के दिल्ली और पटना भेजने का काम करेंगे। टुनटुन शर्मा जी।